हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है ब्लेड एक्सवाईजी में। गाइज, वेइंग मशीन के ऊपर जब हम खड़े होते हैं, जब हम अपना वजन नापते हैं मशीन के ऊपर खड़े होकर के, तो मजा सा आ जाता है और हमें आश्चर्य भी होता है कि यार क्या है इस मशीन के अंदर जो कि यार हमारा वेट तुरंत से बता देती है। जो तराजू है हमें पता है कि वो बहुत टाइम ले लेती है, जो ऐसे ऐसे होती रहती है, लेकिन ये जो मशीन है इस पर आप अपना सामान रखिए या फिर खुद खड़े होइए, तुरंत एक झटके में आपको वजन बता देती है। तो वैसी ही एक वेइंग स्केल मेरे पास में यहाँ पर है, छोटी वाली है, किचन टाइप वाली है। अगर आपको मंगवानी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजन से मंगवाई है और 10 किलो तक बेसिकली वजन नापती है। तो हम इसको खोल करके देखने वाले हैं कि इस मशीन के अंदर ऐसी क्या चीज़ छुपी हुई है जो कि इतना आसानी से हमें वेट बता देती है बिल्कुल एक्यूरेटली। तो फटाफट से शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और ब्लेड एक्सवाईजी की एक और वीडियो का मजा लीजिए। तो भाई, ये तो हमारी वेइंग मशीन इस डब्बे के अंदर, और साथ ही साथ में मेरे पास में कुछ चीज़ें और हैं जिनको हम टेस्ट करेंगे रख करके कि उनका वेट कितना है। तो इनको तो अभी साइड में रखते हैं और हमारी जो मशीन है उसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसका जो पैकेट है, सबसे पहले उसको खोल लेते हैं। तो भाई, ये है ओवरऑल हमारी मशीन, और मशीन जो है वो पीछे से देखेंगे आपको जिस तरीके की है, सामने से यहाँ पर जो है वजन रखने की चीज़ है और ये ही जो है इसका वेट मेज़र करती है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक स्क्रीन है, साथ ही साथ में 3 बटन्स हैं। एक बटन है ऑन ऑफ का, दूसरा है मोड का, तीसरा है टेयर का। और पीछे की तरफ यहाँ पर इसमें लगती हैं बैटरीज़, तो इसके अंदर जो है मैं बैटरी डालता हूँ। तो अब इसको फटाफट से उल्टा करते हैं, स्विच जो है उसको बंद करते हैं, मशीन बंद हो गई, और मशीन को खोलना शुरू करते हैं। तो जो हमारा टूल किट है उसमें से निकालते हैं टूल्स को, और इसके अंदर हैं स्क्रूज, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चारों स्क्रूज को खोल करके मैं आपको दिखाता हूँ। हमें लगता है कि इस मशीन के अंदर कोई जादू होगा, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से इतना कुछ ये मशीन कर देती है, हमारा वेट हमें तुरंत से दिखा देती है। लेकिन यार, जहाँ तक मुझे लगता है, एज ए मटेरियल स्टूडेंट मुझे पता है कि इसके अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ तो नहीं होने वाली, इसके अंदर एक सिंपल ही चीज़ होने वाली है, और मे बी एक प्रेशर सेंसर जो है इसके अंदर हो सकता है, देखने वाली बात होगी। तो एक स्क्रू और अटका रह गया भाई, कौन सा रह गया? अरे यार, तू भी निकल जा। तो स्क्रू जो है वो मना कर रहा है यार कि मैं नहीं निकलूँगा। भाई कैसे नहीं निकलेगा यार, ब्लेड एक्सवाईजी में आया तो नहीं निकलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब जो है एक तरफ से मशीन खुल गई है। यार मैं सोच रहा हूँ इसको मैं तोड़ ना दूं कहीं। तो अरे यार, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाहर निकालने के चक्कर में ये जो है टूट गया यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हमें इसके अंदर जो है वो तो देखने को मिल ही रहा है। तो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि इसके इस पोर्शन पे जहाँ पर वेट रखा जाता है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इस तरीके की लोहे की रोड है, और ये वास्तव में एक प्रेशर सेंसर है, यानी कि कितना प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है उसको ये नाप लेता है। देखिए, अभी मशीन चालू है और जब मैं इसके ऊपर वेट लगाता हूँ तो इसके ऊपर जो वेट है वो बढ़ता है। अब मैं देखिए इसके ऊपर काफ़ी फोर्स लगाता हूँ, तो यहाँ पर 1 किलो 600 ग्राम के आसपास जो है वज़न हो गया, अब 2 किलो हो गया। तो ये जो इतनी सी चीज़ है ना, सिर्फ ये जो टुकड़ा है यही इसका पूरा सेंसर है। इसमें कोई वेट अंदर नहीं रखा होता या कुछ भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ हमने इसके ऊपर कितना लोड लगाया उस चीज़ को मेज़र करता है। और साथ ही साथ में अगर हम इसको कुछ इस तरीके से खोल देते हैं तो आप देखिए यार, कितनी ज़्यादा सिंपल चीज़ है ये। सिर्फ एक छोटा सा सेंसर है, यहाँ पर 2 बैटरीज़ हैं, एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप है, और यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन है। तो यार, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें मिला करके कितना बेहतरीन चीज़ जो है बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्क्रीन जो है उसको भी बाहर निकाल लिया। ये इस तरीके से ब्लू कलर की जलने वाली चीज़ दोस्तों बेसिकली एक बैकलाइट है, और जो स्क्रीन है वो है यहाँ पर ब्लैक कलर वाली, जो कि देख सकते हैं आप। और ये जो है एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है। और दोस्तों, ये जो मशीन है ये नापती है 10 किलो तक, तो इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 10 किलो की है। तो एक लाइक यार प्लीज़ के लिए कर दीजिए। जो मशीन है वो ख़राब हो गई मेरे से, क्योंकि इसका ये वाला जो पोर्शन है ये टूट गया है, तो हो सकता है मुझे अब दूसरी मशीन मंगवानी पड़ेगी। कोशिश करूँगा इसको जोड़ने की, चिपकाने की,
जुगाड़ हो जाए तो अच्छी बात है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल बेल एक्स वाई जी को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।